सुबह बज रहा 6:30। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। सुबह के बज गए, हम लोग रुक गए हैं राजू ढाबा में नाश्ता भी ले लिया। बहुत प्यारा व्यू है यार। अभी बज गए हैं 11:15 और अभी तक हम मनाली पहुँचे नहीं हैं। कुल्लू क्रॉस किए हैं, बस लेट है और अभी मनाली में टेम्परेचर इज़ -1°। बारिश भी हो रहा है, बारिश भी नहीं रुक रहा है। पहुँच के देखते हैं। वो रेडी हो गए नीचे जाने के लिए, ऑल सेट। कितना कवर है? काफ़ी। पहुँच गए हैं हम, कहाँ पहुँचे वो? मनाली पहुंच गए हैं। कैमरा में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा कैमरे में। तो अभी लगेज के लिए काफी भीड़ है। कैब मिल रही है पर बारिश आज से ही चालू हुआ है और 3 दिन अभी बारिश के आसार है। हम पहुंच गए हैं मनाली और हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट और यहाँ पर पहले से ही आइस हमारा वेट कर रहा है। भाई साहब को टाटा कर दिया जाए, कैब वाले भैया को, और चलते हैं कैब में, चलते हैं होटल में। बोबो आइस देख के एक्साइटेड हो गई है और सबको वीडियो कॉल करके आइस दिखा रही है और बादल भी दिखा रही है। गर्मा गर्म नाश्ता, क्या कर रही है बोबो? It's looking yum. It's tasting yum. This video. बाहर आके ये देख रहा हूँ कि स्नोफॉल अब सच में चालू हो गया है और स्नो के साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो इट्स वेरी कोल्ड टुडे और जैसे ही ये बारिश रुक जाएगी सिर्फ और सिर्फ स्नो ही होगा। और ये है दो दिन पहले स्नो, और अगर ये बारिश अब रुक जाती है तो पूरा स्नो से कवर हो जाएगा एंड इट विल लुक ऑसम। बोबो बोबो हम लोग का ये पहला ट्रिप है। आप लोग के लिए मैं थोड़ा एक टाइम लैप्स ले लेता हूँ। गाइस टोपी पहनने की जरूरत पड़ गई क्योंकि स्नोफॉल बहुत ही ज्यादा पड़ गया है। आपको दिखा रहा हूँ, रुको। बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है एंड इट इज फीलिंग अमेजिंग। और ऊपर देखने से ऐसा लग रहा है कि ये तो 10 फीट 20 फीट ऊपर से ही बस सब गिर रहा है। इट इज स्नोइंग। हम लोग अब रेडी हो चुके हैं, फुली कवर्ड, और बाहर इतना स्नो फॉल हो रहा है कि वी कांट रेजिस्ट आवरसेल्फ। तो हम लोग अब जा रहे हैं, क्या करेंगे, कुछ कर तो नहीं सकते ऐसे मौसम में, लेकिन एक चीज़ जरूर कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लोर मनाली। और हम लोग एनी वेज वी आर स्टेइंग इन ओल्ड मनाली और ओल्ड मनाली इज़ ब्यूटीफुल और इट्स हेरिटेज एंड कल्चर। तो अभी हम दोनों निकलते हैं, इट्स स्नोइंग आउटसाइड एंड लेट्स सी क्या होता है, कहाँ होता है, रास्ता तो कुछ नहीं पता। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर।
हम लोग बाइक वॉकिंग जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग के पास छाता था लेकिन एक ही छाता था और इसके ऊपर भी स्नो जम रहा है। अब भी पहले लोकल मार्केट में देखते हैं, वो सामने ही दुकान है, एक अम्ब्रेला और खरीद लेते हैं। इट इज स्नोइंग एज हेल। इतना स्नो फॉल हो रहा है, रूम से सिर्फ मैं 100 फीट आगे आया हूँ एंड आई एम कवर्ड इन स्नो। ओहो, अम्ब्रेला लेना पड़ेगा। तो सामने का दुकान वालों से हमने एक छाता ले लिया, मेरे पास भी अब एक छाता हो गया है और वो के पास भी एक छाता हो गया है। अब हम घूमने चलते हैं। इट्स 6:15 और अब बाहर का नज़ारा देखो। इट्स कवर्ड विथ स्नो। हेलो गाइस एंड दिस इज 8 PM और मैं इसलिए डाकू जैसा घूम रहा हूँ क्योंकि ना मुझे बाहर घूम के काफ़ी ठंड लग गया है और इट वॉज स्नोइंग इतना ज़्यादा कि हाथ पैर सब जम जा रहे थे। यहाँ तक कि वी वर प्रिपेयर्ड कि बहुत चलना पड़ेगा, तो हमने बोबो के लिए ऐसे स्केचर्स के शूज़ लिए थे, बट इसमें जैसे स्नो पड़ा ये पूरा अंदर से भीग गया था। तो वी हैड टू पुल आउट द मेमोरी फोम और उसको इंडिविजुअल सुखाया गया। थैंक गॉड कि हमारे पास ये हीटर है तो इसके कारण काफ़ी आधा घंटे में इसका जूता जो है सूख चुका है। और अब हम वेट कर रहे हैं कि 8 तो बज ही गया है, सीधा अभी निकलते हैं, थोड़ा बहुत घूम फिर के सीधा डिनर करते हैं। बीच का इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं वीडियो ही नहीं ले पाया कि एक हाथ से अम्ब्रेला लूँ एक हाथ से वीडियो, और इट वॉज द फ्लोर वॉज वेरी स्लिपरी। स्नो और बारिश रुक गया है, अब मैं यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं रात को ये मनाली ओल्ड मनाली कैसा लगता है। तो हम लोग एक बार और रेडी हो चुके हैं, इस बार और ज़्यादा ठंड के प्रिपेयर करके जा रहे हैं और बोबो भी इस बार उसके जूते सूख गए तो शी इज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी। और अभी प्लान ये है कि भूख लगा है हम दोनों को क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर लंच नहीं किया था, वी हैड अ ब्रंच। एंड अभी जाएंगे तो देखते हैं कि बाहर मार्केट में क्या मिल जाएगा, रास्ते में से थोड़ा घूमते हैं, लोकल फूड्स ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या मिल जाएगा इस टाइम पर। रिसेप्शन से पूछते हैं एंड सी, आप लोगों को भी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि मार्केट में क्या क्या मिल सकता है इस टाइम पर। डाउट ये है कि मनाली ओल्ड मनाली कितने बजे बंद होता है ये नहीं पता मुझे, और अभी 8:30 हो चुका है तो लेट्स सी। तो हम लोग बाहर तो निकल गए हैं छाता लेके, बट यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स तो है नहीं, प्लस काफ़ी अंधेरा है और कुछ ऐसा बड़ा कुछ दुकान भी नहीं दिख रहा है खुला हुआ। यहाँ पर एक छोटा सा शॉप है लाइक दिस, यहाँ पर कुछ फास्ट फूड्स वगैरह बन रहे हैं। और यहाँ से मुझे लगता है कि हम लोग जब आ रहे थे तो हमको काफ़ी ज़्यादा ऊपर आना पड़ा था, तो अब हो सकता है हमको काफ़ी ज़्यादा नीचे भी जाना पड़े। तो ज़्यादा नीचे तो नहीं जा पाएंगे अभी क्योंकि रात ऑलरेडी काफ़ी हो गया है। मैं हम देखते हैं, कोशिश ये करते हैं कि एटलीस्ट 400-500 मीटर जाके देखते हैं, अगर कुछ मिला तो बढ़िया है, नहीं तो देन विल ऑर्डर इन ढाबा ओनली। देखिए आगे कितना रास्ता नहीं जा सकते क्योंकि आगे आपको दिखाता हूँ, पीछे इस कम्प्लीटली डार्कनेस जहाँ से हम लोग को जाना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रोड में जाने का। वहाँ पर एक
सोनम ढाबा, सोनम ढाबा का एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, कुछ फास्ट फूड सेंटर है। एक बार देखते हैं सोनम ढाबा कहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, होटल नव ढाबा। चलो यहाँ चल के देखते हैं। वाओ, ये लाइट अच्छा लग रहा है। नीचे स्टोन का रास्ता है और स्टोन के ऊपर काफी बर्फ जमा हुआ है, बट इट इज लुकिंग गुड। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बट जहाँ पे भी जा रहे हैं अच्छा दिख रहा है। इधर दिख रहा है कुछ चेयर टेबल्स है यहाँ पे, लेकिन कोई इंसान नहीं है यहाँ पे। हाँ, क्या दिख रहा है? ओह नाइस, माउंटेन्स दिख रहे हैं, माउंटेन्स के घर दिख रहे हैं। लगता है मेरे जूते में कहीं से तो पानी घुसा हल्का सा, एक बूंद। आगे जाके देखें तो ये तो कुछ ऐसा होम स्टे जैसा लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ रेस्टोरेंट समथिंग। वही रास्ते में चलते हैं वापस, और जो स्ट्रीट फूड वाला एक दिखा था छोटा खुला हुआ, वहाँ पर पूछते हैं कि क्या है खाने में। ओके गो। तो अभी चलते चलते हम लोग को एक बहुत ज़रूरी शॉप मिल गया, भैया का एक शॉप है जिसमें रेंटल बूट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो कल से हम लोग बोबो के लिए एक रेंटल बूट्स ले लेंगे, ताकि इसका जो शू है वो गीला मत हो। ठीक है भैया? चालू है भैया? हाँ चालू है। हाँ, हम लोग देखो रेंटल जूता दुकान तो मिल गया। बाद में बताया भैया जूता दुकान वाले कि उनका गाड़ी भी रेंटल का काम है, तो उनके यहाँ से गाड़ियाँ भी रेंटल मिल सकती है। बट अभी कहीं जाया नहीं जा सकता अनलेस रेंटल आप टैक्सी बुक करो, और रात काफ़ी हो गई है। कुछ कैफ़ेज़ और पब्स खुले होंगे, लेकिन अभी वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिकॉज़ हम लोग ऑलरेडी थक चुके हैं। तो आज हम लोग होटल में स्टे करते हैं। कल का क्या प्लान है, हम सुबह या रात को मैं और वो डिस्कस करते हैं और आप सबको बताते हैं। अगर रात को डिस्कस हो गया तो रात को ही बताएंगे, नहीं तो कल सुबह बताएंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही प्लान है कि अभी वापस जाते हैं होटल में, और रेस्टोरेंट भी बंद होने का टाइम 10 बजे का है। तो वील ऑर्डर समथिंग टू ईट और फिर रूम जाएंगे एंड आई विल ईट। हेलो बेटा, सी डॉग्स, छोटा पपी भी है। ही इज वॉकिंग विथ मी। व्हाई इज वॉकिंग विथ मी? हेलो डॉगी, दो बच्चे भी हैं। तुम आ जाओ आराम से, धीरे धीरे। फ्लोर अभी से स्लिपरी होने लग गए हैं, पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि काफ़ी इतना स्लिपरी हो रहे हैं। कल जैसे थोड़ा भी धूप निकलेगा इट विल बी मोस्ट स्लिपरी। आराम से हम लोग दो तीन बार अभी स्लिप होते होते बचे हैं। बट डॉगी को, वो तो फोर व्हील ड्राइव है ना, वो तो भाग रहा है बढ़िया से। इट्स अभी भी रेनिंग यार। हाँ वो ये छाता, अगर हमको छाता कैरी नहीं करना पड़ता तो इट वुड हैव बीन थोड़ा सा इजी फॉर अस। और बार बार व्लॉग बनाने के लिए मेरे ग्लव से हाथ निकालना मौत आ जाती है भाई। लोग देखो उसको कितना बढ़िया वो घूम रहा है। व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? अगला बढ़िया है, हम लोग के साथ साथ घूम रहे हैं। तो चलते हैं और भैया लोग से पूछते हैं क्या मिल जाएगा खाने में। चलो अंदर चलो। ये अभी क्या हो जाएगा खाने में? बोगो देख लो क्या खाओगी। इसको छाता है यार, छाता रुको रख के आता हूँ मैं, इधर ही रख देता हूँ ना, ऊपर ही तो जाना है। तो हमने डिनर ऑर्डर कर दिया है और अब हम जा रहे हैं रूम। छाता वापस से ले लिया है, गीला हो गया छाता, और डिनर का वेट करते हैं। यहाँ पर भूख बहुत ज़्यादा लगती है,
ठंड में बॉडी का कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होता है टू कीप द बॉडी वार्म, इसलिए आप सबको भूख ज़्यादा लगेगी। बट आपको ये भी देखना है कि ज़्यादा भूख में आपको ज़्यादा तेल मसाला का ना खा लो, नहीं तो आगे का ट्रिप पूरा बर्बाद हो सकता है। तो लेट्स गो, और आज कुछ नहीं कर सकते तूफानी, अब बस वेट करते हैं खाना आने का, खाना खाते हैं एंड देन स्लीप, और कहीं कर सकते हैं। डिनर आ गया है, ये है हमारा बटर रोटी, ये है जयपुरी वेज, मिक्स वेज है, और सम सैलड्स, प्याज तो मैं खाता नहीं। चलो दबोचते हैं खाना को। हमने खाना बुक लिटरली ऑर्डर दिया था 5 मिनट पहले और खाना आ गया है, और मुझे लगा भैया ना रोल मार रहे हैं जब बोले कि भैया यहाँ का कुछ भी ट्राई कर लो टेस्टी मिलेगा। मैं बोला यार ये तो ब्लफ कर रहा है, लेकिन सच में बहुत बढ़िया टेस्ट है, मानना पड़ेगा, वाइफ बोली है। भाई लोग खाना खा के तो सच में मज़ा आ गया, लेकिन आप लोग जानते हैं इंडियन लोगों का जुगाड़ तो कभी ख़त्म नहीं होता। खाना तो खा लिया, अब मीठा कुछ खाना था तो क्या करें। रास्ते में मैंने ब्राउनी ख़रीदा था, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर में वो काफ़ी ठंडा हो गया था, तो देखो हमने क्या जुगाड़ किया। जिस फॉइल में रोटी आया था उसी फॉइल में हमने ब्राउनी को डाल के हीटर के ऊपर रख दिया है, अब ये गर्म हो जाएगा और हम डट के ब्राउनी खाएंगे। हमारा गर्मा गर्म ब्राउनी बन के रेडी हो चुका है। ओह तो अभी समय हो गया है 9:50, और हम लोग अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से ट्रैक करने के लिए कहाँ जाना है, धर्मशाला जाएं या कहाँ जाएं, क्योंकि धर्मशाला यहाँ से 217 किलोमीटर दूर भी है, विच विल टेक अस 7-8 आवर्स, तो पूरा दिन भर उसमें भी चला जाएगा जर्नी में, जो हम वेस्ट नहीं करना चाहते। बट येट वी वॉन्ट टू डू ट्रैकिंग एंड कैंपिंग। आज के लिए इतना ही, घूम तो ज़्यादा पाए नहीं, क्यों नहीं घूम पाए उसका भी एक रीज़न बता दो। हम लोग जस्ट निकले थे और ये ट्रैवल एजेंट वालों ने हमें थोड़ा सा पकड़ के बहुत हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, हालांकि एट दी एंड अच्छा ही रिज़ल्ट आया, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो गया, उस चक्कर में घूम नहीं पाए, और हैवी स्नोफॉल और रेनफॉल भी हो रहा था, तो इसलिए आज हम कहीं जा नहीं पाए। बट कल सुबह से हम लोग घूमने निकल जाएंगे, एंड फॉर 3 to 4 days हम यहीं पर हैं, तो वील एक्सप्लोर इट अच्छे से। और सोलंग वैली खुला है या नहीं खुला है, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं कि सोलंग वैली बंद हो जाएगा इतना स्नोफॉल होगा तो, और मेरे को जो मन था एडवेंचर करने का, पैराग्लाइडिंग एंड ऑल, लग नहीं रहा है कि हो पाएगा, लेट्स सी क्या होता है। गुड नाइट, बोबो से गुड नाइट, ओके गुड नाइट।